अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति पावा अपनी खट्टी मीठी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरी खट्टी मीठी रसोई में बन रही है बहुत ही टेस्टी, हम सब की फेवरेट भंडारे में बनने वाली कद्दू की सब्जी, जिसे हर कोई पसंद करता है और हर कोई वैसे ही बनाने की कोशिश करता है पर वो बनती नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि भंडारे में बनने वाली कद्दू की सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अपनी खट्टी मीठी रसोई में इसे बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। भंडारे की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दू, यह आप पीला वाला या हरा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पीला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे ऑयल और उसके अंदर डालेंगे मेथी दाना, मनफोद मेथी दाना डाला है और दो लाल मिर्च डाली हैं, ड्राई लाल मिर्च है। और अगर अभी आप चाहें तो इसके अंदर आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से लाल कर लेंगे, जलाना नहीं है, लाल करना है। और ये देखिए एक कटा हुआ कद्दू इसके अंदर हम डाल देंगे, कुछ लोग सीताफल भी कहते हैं और कद्दू भी कहा जाता है, पेठा भी कहा जाता है, पंजाब में पेठा कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करने, बस ठीक ठीक करने हैं हमें, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो अब इसको अच्छे से भून लेंगे, इसके अंदर तेल में अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, चला लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए सब में। और अब इसे ढक्कन लगा करके हम रख देंगे। ये देखिए जो ढक्कन के ऊपर पानी होता है ना, वही वाला पानी सारा इसके अंदर हम कर लेंगे। और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च। अब अच्छे से चला लेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया, सूखा धनिया है ये, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें पानी नहीं डालती, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जो ढक्कन के ऊपर पानी होते हैं वो भी काफी होते हैं। बार बार अच्छी तरह से ढक करके पकाएंगे तो ये अपने आप नरम हो जाती है। और अब बीच बीच में हम चलाएंगे ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए, क्योंकि हम पानी नहीं डाल रहे तो जल ना जाए, इसे नॉनस्टिक में ही बनाएंगे। और अब इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा गल गया है तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये कैरी, कच्ची कैरी जो होती है वो ले लेंगे या कच्चा आम, और हरी मिर्च डाल देंगे। कच्चे आम से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बारीक करके आप इसमें डाल दीजिए, क्योंकि आजकल कैरी का सीजन है तो आ रही है, तो आप जरूर डालिए। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप बारीक करके हरी मिर्च डालिए 5-6, और अगर आप हल्के नमक मिर्च खाते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, 1 ही डाल लीजिए। मुझे इसमें हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब इसको हम
ये क्या नाम पलटे की मदद से इसको दबाते रहेंगे ताकि हमारा अच्छी तरह से मैश हो जाए सारा सीताफल। ये बहुत आसानी से हो जाता है। और अब इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे हम और इसको अच्छे से चलाएंगे। सीताफल जो है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है, तो आप चीनी जरूर डालिए। और अब इसको ढक करके रख देंगे। देखिए जो ढक्कन में पानी था हमने इसी में ही निचोड़ लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप जरूर डालिए। और इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए हमारा सीताफल ऑलमोस्ट सारा बन गया है। तो अब लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर और डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ा सा भूनेंगे हम ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो भी चला जाए। लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी भंडारे वाला कद्दू, जो आप एक बार खाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।